Welcome to Paathshala. Today we are going to discuss a very important problem based on electric flux, which has been asked by Bishwanath from Odisha. इस प्रॉब्लम में क्या ये एक स्ट्रक्चर है A B C D E O, ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर है, इसमें तीन फेसेस हैं, ये प्रिज्म की तरह है, एक फेस ये A B C D है, एक फेस ये D E O E है या E O C D है ये, और तीसरी फेस ये है, ठीक है, ए बी ओ ई, ये नीचे बॉटम फेस है, ठीक है, ये बॉटम फेस है, हॉरिजॉन्टल फेस है, ये वर्टिकल फेस है, और ये जो वाली जो फेस है ये इंक्लाइंड फेस है, और इन तीनों से पास होने वाले फ्लक्स जो है वो आपको कैलकुलेट करने हैं, और इनके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। ये जो कोऑर्डिनेट दिया एक्स एक्सिस पे ये आपका है A,0,0 ठीक, ये जो कोऑर्डिनेट है वाई एक्सिस पे ये दिया आपको 0,B,0, मतलब बेसिकली आपको साइड्स दिए हैं कि ये जो एक्स एक्सिस पे ये जो डिस्टेंस है ये आपकी है ए, ये जो वाई एक्सिस पे डिस्टेंस है ये आपकी बी, और ये जो जेड एक्सिस पे डिस्टेंस है ये आपकी सी। तो इसके कोऑर्डिनेट आपको दिए हैं 0,0,C। क्लियर, ठीक। अब सिचुएशन ये है कि इन तीनों फेसेस से पास होने वाला फ्लक्स आपको फाइंड करना है, और कौन कौन सी तीन फेस, तो एक फेस तो हुई ए बी सी डी, एक फेस ये है, दूसरी फेस हुई आपकी ए बी ओ ई, बॉटम फेस है ये, और तीसरी फेस हुई आपकी ओ ई डी सी, ये आपकी वाई जेड प्लेन की फेस है, ये आपकी स्लांट फेस है, ये आपकी जो है वो एक्स जेड प्लेन की फेस है, और ये आपकी वाई जेड प्लेन की फेस है, ठीक। इन तीनों फेसेस से पास होने वाला नेट फ्लक्स जो है वो आपको फाइंड करना है। तीन इलेक्ट्रिक फील्ड दिए जिनके पास होने वाला फ्लक्स फाइंड करना है। जो सबसे पहला इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिंपल एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, और वो आपको दिया है अल्फा आई कैप प्लस बीटा जे कैप। उसके बाद जो दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेरिएबल है, और वो ई जो है सेकंड केस का वो है आपका अल्फा एक्स आई कैप प्लस बीटा जे के कैप, और जो तीसरा फील्ड है वो भी वेरिएबल है, और वो है आपका अल्फा एक्स स्क्वायर, अल्फा के साथ एक्स स्क्वायर है और बीटा के साथ वाई स्क्वायर है, ये बीटा वाई जे कैप है यहाँ पे। तो ये है अल्फा एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस बीटा वाई स्क्वायर जे कैप। इन तीन फील्ड का इन तीनों सर्फेसिस से फ्लक्स फाइंड करना है। तो बेसिकली ये 9 क्वेश्चंस हुए, ठीक। तो करना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो तीन सर्फेसिस हैं इनका हम एरिया वेक्टर लिख लेते हैं। इनका एरिया वेक्टर लिखने का फायदा होगा कब, पहले वाले केस में। पहले वाले केस में कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है तो एरिया वेक्टर से डायरेक्ट ई डॉट ए कर देंगे और आपको फ्लक्स मिल जाएगा, ठीक है। तो जो फेजेस हैं इनका एरिया वेक्टर लिखते हैं। सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं ए बी सी डी। ए बी सी डी स्लांट है, इसको बाद में देखेंगे, पहले इन दोनों के बारे में बात करते हैं। तो ये सरफेस है आपकी ए बी ओ ई। ए बी ओ ई, ए बी ओ ई ये बॉटम वाली सरफेस हुई है, तो इसका एरिया कितना होगा, तो ये जो कोऑर्डिनेट हैं, ये जो लेंथ है ये है सी, आराम से समझना आपको, ये है लेंथ सी, ये है लेंथ ए, उसका जो एरिया हो जाएगा वो AC हो जाएगा, ठीक। और डायरेक्शन आप कोई भी मान सकते हो, आउटवर्ड भी मान सकते हो, इनवर्ड भी मान सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे, ठीक है। चलो मैं इसको आउटवर्ड मान लेता हूँ। आप डायरेक्शन कोई भी चूज कर सकते हो, ये आपके पास पूरी फ्रीडम है, या आप अगर आप इस पूरे स्ट्रक्चर को एक क्लोज ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करोगे, ये क्लोज ऑब्जेक्ट है तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड रखी जाती है। अगर ये क्लोज ऑब्जेक्ट है तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो डाउनवर्ड होगा, इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो इस तरफ लेफ्टवर्ड्स होगा, और इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो इस तरफ होगा, अगर ये क्लोज ऑब्जेक्ट है तो। ऐसे मान के इसको कर लेते हैं, ठीक। तो इसका जो एरिया वेक्टर आया वो आपका आया, इसका एरिया जो बना वो बना AC, और डायरेक्शन आई माइनस जे कैप। इसका जो एरिया बनेगा वो कितना बनेगा, तो ये वाली साइड तो है C और ये वाली साइड है B, तो इसका बनेगा BC और ये आएगा माइनस आई कैप, ठीक। ये एरिया वेक्टर कितना बनेगा, तो इसका एरिया निकालना तो आसान है लेकिन उसकी डायरेक्शन भी हमें चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। एरिया वाई द वे कितना होगा, तो एरिया जो ये वाली साइड है इसकी वो तो है सी, और ये जो स्लांट लेंथ है वो बनेगी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसका जो एरिया बनेगा वो बनेगा सी इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, अब इसकी डायरेक्शन कैसे लिखेंगे वो आपको समझना है। ठीक, तो मैं एक अलग से एक डायग्राम बनाता हूँ, इसमें इस तरह से सिचुएशन समझनी है आपको कि मान लिया ये एक्स एक्सिस है, ये मान लिया वाई एक्सिस है, और ये जो स्लांट लेंथ है वो इस तरह से है, और स्लांट लेंथ के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर है, हमें इसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है। ये साइड कितनी है बी, ये वाली साइड कितनी है ए, ये इसकी स्लांट लेंथ बन गई, ठीक है वाई, और ये एक्स, और उस स्लांट लेंथ के परपेंडिकुलर ये एरिया वेक्टर बनेगा। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन समझना। अगर मैंने इस एंगल को कहा अल्फा, तो अगर यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन बनाएंगे इस तरह से, तो ये वाला एंगल होगा 90 माइनस अल्फा, ये है 90, तो ये वाला एंगल कितना बन जाएगा अल्फा। क्लियर, वाला एंगल कितना बन जाएगा अल्फा। तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा, अगर इसका मैंने मान लिया एरिया ए है, तो ये बनेगा ए कॉस अल्फा, और ये बनेगा ए साइन अल्फा। इसका एरिया वेक्टर आपका आप लिख सकते हो, ए कॉमन लेके हम लिख सकते हैं साइन अल्फा के साथ आई कैप प्लस कॉस अल्फा के साथ जे कैप। अभी साइन अल्फा कॉस अल्फा वैल्यूज कितनी होंगी वो भी जरा पुट कर लेते हैं। तो अगर ये बी है, ये साइड बी है, ये ए है, तो ये हाइपोटेन्यूज अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बनेगा, तो जो साइन अल्फा आएगा वो बी अपॉन अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आई कैप प्लस कॉस अल्फा जो बनेगा वो बनेगा ए अपॉन अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जे कैप। ये आपका बन गया एरिया वेक्टर। अब एरिया की वैल्यू कितनी है, तो एरिया की वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। जो एरिया वेक्टर बनने वाला है तो बन गया सी टाइम्स अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ब्रैकेट में ये पूरा ब्रैकेट है या मैं यहीं लग देता हूँ, सी टाइम्स अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से इससे ये पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो आपको मिलेगा आंसर वो मिलेगा सी बी आई कैप सी ए जे कैप। जो एरिया वेक्टर मिल रहा है ये तो बन रहा है सी बी आई कैप प्लस सी ए जे कैप। क्लियर, ये आपका आया तीसरा एरिया वेक्टर। ये तीसरा एरिया वेक्टर आ जाएगा सी बी आई कैप प्लस सी ए जे कैप। क्लियर, ठीक। अब जो पहला क्वेश्चन है वो तो निकालना बहुत आसान है, ठीक है, क्योंकि आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फ्लक्स होता है वो सिंपली होता है ई डॉट ए, ई डॉट ए। ठीक, सिंपल। जब हम डॉट प्रोडक्ट करते जाते हैं और आपको आंसर मिलते चले जाएंगे। तो कौन सी सरफेस, पहले ए बी सी डी के एक एक करके पहले यही सरफेस लेते हैं। इस सरफेस का फ्लक्स कितना होगा, तो उस सरफेस का जो फ्लक्स हो जाएगा वो ई कितना है, ई है आपका अल्फा आई कैप प्लस बीटा जे कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करना है। उसका एरिया वेक्टर आया था आपका सी बी आई कैप प्लस सी ए जे कैप, ये डॉट प्रोडक्ट कर देना है। तो क्या बनेगा अल्फा सी बी प्लस बीटा सी ए, इतना फ्लक्स वहाँ से पास करेगा। दूसरी सरफेस से कर लेते हैं। दूसरी सरफेस में जो एरिया वेक्टर है, मान लिया दूसरी सरफेस ये ले लेते हैं, वो है माइनस बी सी आई कैप। तो जब आप डॉट प्रोडक्ट करोगे तो सिर्फ आई कैप का आई कैप से मल्टीप्लाई होगा, और दूसरी फेज का जो फ्लक्स, ये सेकंड फेज नाम दे देते हैं इसको, इसका नाम फर्स्ट फेज है, इसका नाम थर्ड फेज कर देते हैं। तो सेकंड फेज फर्स्ट का आ गया। सेकंड फेज का जो फ्लक्स होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो वही है अल्फा आई कैप प्लस बीटा जे कैप, डॉट प्रोडक्ट हम किससे करेंगे माइनस बी सी आई कैप के साथ। तो फ्लक्स जो आपका आएगा वो आपका जाएगा माइनस बी सी अल्फा। फ्लक्स नेगेटिव आया इसका मतलब सरफेस में अंदर घुस रहा है, फ्लक्स पॉजिटिव आया इसका मतलब सरफेस से फ्लक्स निकल रहा है। ठीक है, तो एंटरिंग फ्लक्स जो होता है वो नेगेटिव होता है, और एग्जिट जो फ्लक्स एग्जिट कर रहा होता है वो फ्लक्स कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। इसी तरह से अगर हम फाई थ्री निकालेंगे तो वो आपका आ जाएगा माइनस, अब तो उसमें सिर्फ जे कैप वाला टर्म है तो सिर्फ ये वाला टर्म बचेगा, तो माइनस ए सी बीटा। अब आप एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझो, इसमें अगर मैं तीनों फ्लक्स को ऐड कर दूं 5(1) प्लस 5(2) प्लस 5(3), नेट फ्लक्स निकालूं कि नेट फ्लक्स उस ऑब्जेक्ट से कितना पास करेगा, तो वो जीरो आ रहा है। जीरो आना भी चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कांस्टेंट है किसी भी रीजन में, तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी क्लोज ऑब्जेक्ट में एंटर कर रही होंगी, उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिट कर रही होंगी। कोई नई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रिएट होंगी नहीं, क्योंकि पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट। तो नेट फ्लक्स क्या आना चाहिए था, जीरो आना चाहिए। क्लियर, ठीक। अब ये हुआ इसका सबसे आसान पार्ट, ठीक है। अब चलते हैं वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ। अब वेरिएबल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे जो फ्लक्स निकालना, इन दोनों सरफेसेस का तो आसान होगा, लेकिन इस सरफेस का मुश्किल होगा, क्योंकि इस सरफेस पे जो है वो एक्स और वाई दोनों ही चीज़ें वेरिएबल करेंगी, जबकि बाकी दो सरफेसेस पे एक पे एक्स वेरी करेगा, एक पे वाई वेरी करेगा। इसको हम एज ए सेकेंड क्वेश्चन की तरह इसको डील करेंगे।